भूषण तेरे से लोग यार स्टैंडर्ड ड्रेस कर देते हैं, इतना मैं बेसिक किया था, देखो यार ऐसा करेगा फिर अभी वो सुनाने वाली है मुझे दो दिन तक, ऐसे करते ऐसे प्रपोज करते के स्टैंडर्ड वैसे भी हाई है। नहीं नहीं भाई, नहीं 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 से बाल बढ़ते हैं वैसे वैसे सेट करने को और डिफिकल्ट हो जाता है, बट कोई नहीं, सो फार सो गुड। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ना धो के हो गए रेडी क्योंकि रात है रंगीन, जाना है दोस्त के घर पे, तो चलिए शुरू करते हैं। तभी क्यों नाचता है तू? समझता नहीं भाई एंजॉय करने का गाने को। क्या आएगा? ये जो आप हमारी हरकत देख रहे हो ये हर दिन होती है, काश कोई कैमरामैन रहता जो हमको पकड़ता। आपको सबसे ज्यादा मुझे मजा क्या आती है यहाँ पर डाउनटाउन में रहके स्टूडेंट्स को मिलना, सारे अपने सब्सक्राइबर रहते तो इतना अच्छा लगता है, एंड सब लोगों को भी रिसेंटली आया है तो आज एक और बंदे को मिला जो टिम हॉर्टन्स से मैं अभी शानिस के लिए जो सुबह सुबह नाश्ता लेता हूँ वहीं पर अभी काम कर रहा है, 15 दिन पहले आया, तो जो खुशी देखता हूँ यहाँ पे अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। क्या यार जैसे ही रोको बर्फ बंद हो जाए तो हाईवे पे हल्की हल्की बर्फ गिरना शुरू हुई थी, यहाँ पर भी हल्की गिरी हुई है। हम लोग गुंजन के घर पर आए हैं कुछ स्पेशल पार्टी थ्रो के, प्रॉब्ली बिकॉज वीकेंड आई डोंट नो, शानिस रेडी आई एम रेडी, मैं थोड़ा भी बाहर गया था देखने के लिए, पार्किंग बराबर की नहीं तो बहुत ठंडी हवा थी, यहाँ पर -1 है। हमारा डाउन टाउन में थोड़ा गर्म ही रहता है हमेशा। उतरे ये देखो बहुत ही हल्की सारी बर्फ हुई, क्या लगता है दोस्तों क्या यहाँ पर बर्फ गिरेगी? शानिस क्या बर्फ गिरेगी? हाँ। क्या तू चाहती है कि बर्फ गिरे? मैं चाहती हूँ, हवा टाइट हो जाएगी बर्फ गिरेगी तो मैं चाहती हूँ भी और नहीं भी। अच्छा पर गिरेगी। अरे हाथ मिलाओ, गले मिलाओ। यही है वो स्टार जिनके हाथों में जादू है। भूषण तेरे से लोग यार स्टैंडर्ड ड्रेस कर देते हैं, इतना मैं बेसिक किया था, देखो यार ऐसा करेगा फिर अभी वो सुनाने वाली है मुझे दो दिन तक, ऐसे करते ऐसे प्रपोज करते। स्टैंडर्ड वैसे भी हाई है। नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, अभी शानिस दो दिन सुनाएगी मुझे ना। ये देख रेड कार्पेट वेड कार्पेट सेटअप किया उसने, कुछ देखा बोला मैंने टक्सीडो वक्सीडो पहन लिया है। मेरे पति ने क्या सिर्फ ये ले बोला, बाकी भूल गया सब लाइन, आई लव यू विल यू मैरी मी सब। अपन डर गए थे। देखिए दिल की फीलिंग देख ले सारा, लेकिन तू बच्चा अंदर फिर कुछ किया नहीं अभी तक मेरे लिए, इतना स्वीट स्वीट सा। अरे इतना सब किया यार, देखो आपने से वो नहीं होता है, ऐसा मत मेरे को होता है, से कुछ नहीं होता उतना तो नहीं। अरे भाई ऐसा मत बोल, सच्चा प्यार होना चाहिए, पता है ये तो बहुत सच्चा, देखा देखा एक्सपीरियंस लोग बोल रहे हैं सच्चा प्यार होना चाहिए। मुझे पता तेरा इतना सच्चा प्यार था, तू मुझे देखा भूल गया ऐसा कि नहीं पता क्या? सोचो मैं इतना टाइम से डेट कर रहा था, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ये ले जा वैसे तेरी सुसु निकल आएगी जा। अरे भाई मैं क्या है, प्रपोज यू वन मोर टाइम जब तक इसकी वाली नहीं आती। अब लोग बोलेंगे बच्चे शादी के वाले बच्चा किया क्या, ऑलरेडी लोग पूछ रहे हैं कि कैसे 9 महीने कैसे हो गए। अरे शादी की 2.5 अगर किया भी तो क्या, नहीं किया नहीं है, किया नहीं है, बट अगर 2.5 मंथ बाद प्रेग्नेंट हुई थी मैं, अगर होता भी तो क्या। लोग पूछ रहे आप शादी के टाइम में प्रेग्नेंट थी क्या, क्या मतलब किया भी तो क्या। नहीं किया, नहीं किया। जब भी कैमरा वाले दूसरा कैमरा वाले को मिलता है ये भी सोनी है, लेकिन वो उसने बुलाया ये अपना है। और बहुत मेहनत की है, देख मैरी भी लिखा हुआ है, बलून फुकाए तो बाद में हॉबी मोड़ा देंगे शायद। देखो भाई ये बहुत मेहनत की है, गुंजन के साथ रहा है वो बहुत सारे साल, तब जाके ये सब कर रहा है। रिलेशनशिप के 1-2 साल में मत करना ये सब चीज़, महंगा पड़ सकता है। Some people fall in love in 1 month. Yes. Arranged marriage होगा तो? Falling in love does not happen in 1 month. ये मुझे बोलो। अगर arranged marriage है तो? देखो भाई तुमको जो करना है करो, लेकिन मेरा suggestion यही है। नहीं, तुमको जो करना है करो, निकल कर मत सुनो। मेरा मत सुनो, इसका सुनो, और फिर भुगत ना। नहीं, इस मामले में मत सुनो। इस मामले में मत सुनो, लड़की का सुनो। ऐसा खर्चा करो और बाद में वो मना कर देगी तो कचरा भी। क्या खर्चा? कुछ खर्चा नहीं। देखो भाई अपन इन्वेस्टमेंट वाले, अपन ने घर लिया गाड़ी ली इसके लिए कुछ नहीं, अभी निकल इज जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अप टू मी बिकॉज़ उसको पता चल रहा है ओ मेरी बीवी अभी मेरे को बोलेगी देख, वो तो सुनाएगी आई कांट हेल्प इट। हो गया निकल, जो भी तुमने मुझे स्पेशल फील कराया था, हो गया स्पेशल फील, तेरे से उतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, कितनी बड़ी बात है वो। सबको छुपने बोल दिया मैडम पहले छुपी। देखो थोड़ा सरप्राइज है ये, उसको वीडियोग्राफर बुलाया तो मैं ज्यादा ब्लॉग में बताऊंगा नहीं, उसकी होने वाली के लिए सरप्राइज है और उसकी फैमिली के लिए अपन कम बताएंगे।
वो छोड़ो इसको देखो ये नो भाई मेरी तो अकेले में दोस्तों के सामने पड़ गई थी ये पता नहीं फैमिली के सामने कैसे प्रपोज कर देते देखा ना पड़ेगा हिम्मत छे मैं तो नहीं कर पाता मुझे तो मेरे तो शादी के टाइम पे फट रही थी मेरे फादर बोलता है किस मतलब फॉरहेड किस रोड लिप किस आपने बनाया तो ये इन्होंने बनाया ऑफ कोर्स ही शेफ बाय द वे ऐसा कहीं से भी निकालू दिस इज वेरी टेस्टी थैंक यू और ये पूरा बांध के एक साइड चिपका दिया है अभी अगर फ्लाइट बैन होगी तो ये पकड़ जाना पड़ेगा मेरा जोक्स बहुत खराब हो रहे हैं पकड़ना ये पकड़ने का और फिर विंग स्किल पे खड़े हो जाने का व्हाट आर यू डूइंग इसके बीच में आ जाओगे सब फंस जाओगे यार मेरे को बहुत मजा आती थी बचपन में यार ये तो बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे इधर ब्रो दैट मूवी अप उसमें ऐसे दिखा देना दिस अनदर रिंग फॉर यू ये उड़ता भी है हवा में छोड़ दे पकड़ पे छोड़ छोड़ आज तू लग के नहीं उड़ सकती शानिस, क्या तू मेरे बच्चे की माँ बनेगी ये देखो भाई चप्पल में बर्फ में पहनने वाला था अच्छा बनी पहनी तो हम एक बलून को उड़ाएंगे मेरा प्लान था बाकी सब बलून को उड़ाने का बट हमको नीचे चिड़िया फंस जाए इधर थोड़ा देखते कि जा पर इधर ही फंस गया 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 दिख रहा है किस किस को बचपन में मजा दी करने के मुझे तो अभी भी मुझे आता है अरे क्या तेज जा रहा है यार दूर तक दिखेगा ये लास्ट फेंक रहा हूँ मैं इसके अलावा नहीं फेंकूंगा थोड़ा इधर इधर थोड़ा इधर जाते ये बर्फ है ना बर्फ है बहुत ये टू क्या देखो भाई वैसे तो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल लेकिन सुबह सुबह चाहे मुंबई में हो टोरंटो में हो न्यूयॉर्क में हो सुबह सुबह उठ के बाहर आना एक अलग ही फील देता है जब कोई भी नहीं रहता है और थोड़ा सूरज देता है लेट निकलते हैं यहाँ पे बिकॉज अभी ठंडा चालू हो गया आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस टिम हॉर्टन्स टू ओपन बिकॉज हल्का फुल्का कुछ लेके ऊपर जाऊँगा टाइम पास करेंगे देन यू गॉट अ स्लीप अभी सुबह के 5:20 हुए हैं ये जो रास्ता है ये इतना खाली रहता नहीं है लेकिन बिकॉज सैटरडे नाइट थी तो लोगों ने बहुत मस्ती की अभी संडे मॉर्निंग है यहाँ पे तो ये रास्ता खाली खाली दिख रहा है अगर ये मंडे मॉर्निंग होती ना तो ये भरा हुआ मतलब काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पे आई एम जस्ट वेटिंग फॉर टिम हॉर्टन्स टू ओपन बिकॉज शैनिस मैडम का मन कर रहा है थोड़ा सा स्मॉल हॉट चॉकलेट पीने के लिए और मुझे भी हैश ब्राउन्स लेने हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए अरे यार वाइल्ड लेस खराब हो गया कभी कभी लगता है मैं सारी चीज़ों के लिए बनाई नहीं जो मेरे साथ हो रही है ब्लॉग पकड़ लो अभी जो शैनिस का एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ आना और कभी कभी लगता है नहीं ये सिर्फ मेरे लिए ही है मेरे अलावा किसी के लिए नहीं है इट्स अ वेट फीलिंग जो हम सबको आती है वॉट एवर इट इज़ गाइज आज के लिए बस इतना लगता है वेरी शॉर्ट ब्लॉग है आई नो बट क्या कर सकते हैं इतना ही हो रहा है अभी जो जैसे मैंने बोला कभी कभी लगता है कि मैं दवाई खाऊँ सो जाऊँ तब उठूँ जब शैनिस का ऑर्डर मिले को नींद की दवाई मैं स्लीपिंग ब्यूटी हाँ स्लीपिंग ब्यूटी यस बाबू और गुंजन की मॉम बोलती निकल तो किससे उठेगा सीधे बच्चे किससे तेरे किससे उठेगा ना यार बच्चे को भी होता हुआ देखने का ना अपने को सबसे बड़ा बेनिफिट तो मेरे को यहीं पर वही है कि आई कैन बी इन द रूम वेयर यू डिलीवर तो ये कि इंडिया में नहीं होता ना ये चीज़ जो लोग कमेंट कर रहे थे नहीं होता इंडिया में और जो तेरा काम कर गया वैसे तूने ब्लॉग में बिना एडिट करे डाला ना कि मैं तेरे को मारा मेरी मम्मी ने मैसेज किया कि ये क्या व्हाट इज दिस तो गुंजन की मम्मी बहुत फास्ट बोलता तो आई ट्राई टू स्पीक स्लो व्हेनेवर आई कैन बिकॉज़ सम टाइम आई जस्ट कैन नॉट कंट्रोल स्पेशली व्हेन आई ट्रैवलिंग सही है ये पेस सही है बट ट्रैवलिंग में नहीं होता ट्रैवलिंग में अरे क्या जा रहा है अभी चाय पीना कॉफी पीना ये वो ऐसे हो जाता विद दैट सेड गाइस एज ऑलवेज शुक्रान अलविदा मा सलामत टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आई लव यू फ्रेंड्स एडियोस अमिगोस शब खैर टेक केयर बाय बाय दुआ में याद रखना प्रेयर्स में याद रखना अच्छा गाना